का आज जर्मनी के न्यूरमबर्ग अस्पताल में डायलिसिस होगा। वो जर्मनी में डॉक्टरों से रابطے में हैं। कल तबीयत बेहतर होने पर उमर शरीफ को अमेरिका के लिए रवाना कर दिया जाएगा, जहां उनका इलाज होगा। डॉक्टर तारिक शहाब ने उमर शरीफ के परस्तारों से उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करने की दरख्वास्त की। उमर शरीफ का आज जो है वो डायलिसिस होगा, और डायलिसिस के बाद अगर उनकी तबीयत ठीक रही और वो स्टेबल रहे तो प्लान ये है कि वो कल वॉशिंगटन रवाना हो सकेंगे। मैं तमाम लोगों से, खासतौर पर उनके फैंस और उनके परस्तारों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उमर शरीफ की सेहतयाबी के लिए वो दुआ करें। का आज जर्मनी के न्यूरमबर्ग अस्पताल में डायलिसिस होगा। वो जर्मनी में डॉक्टरों से रابطے में हैं। कल तबीयत बेहतर होने पर उमर शरीफ को अमेरिका के लिए रवाना कर दिया जाएगा, जहां उनका इलाज होगा। डॉक्टर तारिक शहाब ने उमर शरीफ के परस्तारों से उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करने की दरख्वास्त की। उमर शरीफ का आज जो है वो डायलिसिस होगा, और डायलिसिस के बाद अगर उनकी तबीयत ठीक रही और वो स्टेबल रहे तो प्लान ये है कि वो कल वॉशिंगटन रवाना हो सकेंगे। मैं तमाम लोगों से, खासतौर पर उनके फैंस और उनके परस्तारों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उमर शरीफ की सेहतयाबी के लिए वो दुआ करें। का आज जर्मनी के न्यूरमबर्ग अस्पताल में डायलिसिस होगा। वो जर्मनी में डॉक्टरों से रابطے में हैं। कल तबीयत बेहतर होने पर उमर शरीफ को अमेरिका के लिए रवाना कर दिया जाएगा, जहां उनका इलाज होगा। डॉक्टर तारिक शहाब ने उमर शरीफ के परस्तारों से उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करने की दरख्वास्त की। उमर शरीफ का आज जो है वो डायलिसिस होगा, और डायलिसिस के बाद अगर उनकी तबीयत ठीक रही और वो स्टेबल रहे तो प्लान ये है कि वो कल वॉशिंगटन रवाना हो सकेंगे। मैं तमाम लोगों से, खासतौर पर उनके फैंस और उनके परस्तारों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उमर शरीफ की सेहतयाबी के लिए वो दुआ करें। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।